जनाब मकसद ना भूलना जी, जनाब मकसद ना भूलना। सो फाइनली हम एंटर करने जा रहे हैं सिद्धिविनायक मंदिर। सो फाइनली पहुंच गए हैं हाजी अली दरगाह। हेलो लवली सोल्स, कैसे हो आप सारे? इट्स अ न्यू डे न्यू बिगनिंग। और आज यार हम भटक भटक के पहुंच गए हैं कहाँ पे हमारा ख्याज सिद्धिविनायक मंदिर। इसके बाद हम जाने वाले हैं हाजी अली दरगाह फिर, ठीक है? तो मिलते हैं आगे और देखते हैं क्या करते हैं आज। सो जैसे ही आपने एंटर किया, साइड में शॉप्स आएंगी प्रसाद वगैरह की, देन आप एंटर करेंगे। यहाँ राइट साइड में होते हैं जूते डिपॉजिट। सो यहाँ पे अपने हम जूते करवाएंगे जमा और चलेंगे दर्शन करने। अब हम अंदर जा रहे हैं दर्शन करने। यहाँ पे होते हैं दो टाइप्स के दर्शन, एक होते हैं मुख दर्शन और एक होते हैं सामने से क्लोज दर्शन। हम करने वाले हैं मुख दर्शन, बिकॉज आप लाइन देख पा रहे हैं कितनी लंबी लाइन है यार, मतलब क्लोज दर्शन के लिए। तो हम ये दूर से करने वाले हैं मुख दर्शन। आपको लाइन दिखाता हूँ सामने से एक बार, और वो देखिए सामने, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कुछ टाइम की शॉर्टेज थी मेरे पास, तो मैंने मुख दर्शन कर लिए। हमने बाबा जी की ब्लेसिंग्स ले ली हैं, मन में श्रद्धा होना तो आप मुख दर्शन करिए या क्लोज दर्शन करिए, मैटर नहीं करता, बस नीयत साफ होनी चाहिए एंड मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। गॉड ब्लेस अस ऑल। हमारे फाइनली मुख दर्शन हो गए हैं, हमारे में थोड़ी कमी है टाइम की, इसलिए हम ये करके चलते हैं। ब्लेसिंग्स रहनी चाहिए। सिद्धिविनायक मंदिर जी के दर्शन हमारे पूरे हो चुके हैं, अब हम निकलते हैं यहाँ से। ओके लवली सोल्स, सो टेंपल से हम निकल चुके हैं। सीरियसली जो वहाँ का ऑरा है ना यार टेंपल का, मतलब बहुत ही फैंटास्टिक, मतलब यार लोगों की क्या श्रद्धा है, लोग कहाँ कहाँ दूर दूर से आते हैं, मतलब यार वहाँ पे माथा टेकने। सो लवली सोल्स, कुछ अपडेट ऐसा है, कहाँ जा रहे हैं हम? हाजी अली दरगाह। हम दरगाह में एंटर करने जा रहे हैं। यहाँ भी यार बहुत ज़्यादा वली भीड़ थी, मतलब इतना ज़्यादा रश था ना, ऊपर से गर्मी भी थी। हम कहाँ जा रहे हैं अभी? पर फिर भी श्रद्धा वाली बात है, तो ये भी सारे लोग जा रहे हैं और हम भी जाएंगे जाएंगे। बाकी जाते हुए रास्ते में आपको बहुत सारी यहाँ पे दिखने वाली हैं शॉप्स, शूज़ की, सैंडल्स की, बेल्ट की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लोफर्स, शेड्स, वॉलेट्स, मतलब यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इन रास्तों में। दुकानें मतलब हैं वे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मतलब क्वालिटी रहती है इनकी, और सस्ते दामों में, और इत्र भी मिलेंगे यहाँ पर आपको। सो बस हम भी ऐसे ही सामान देख देख के रास्ते में कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करके, मतलब ऐसे हम भी जाए जा रहे हैं सबके साथ। एंड यू नो सोल्स, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये मतलब जगह पूरे समुंदर के बीचों बीच है, मतलब लेफ्ट के अंदर समुंदर, राइट में समुंदर, पानी पानी एंड सनसेट। तो आई रिकमेंड कि आप जब भी यहाँ पे आओ तो मतलब शाम के टाइम पे आओ, जब होने वाला हो सनसेट, तो क्या व्यू आएगा आपकी, क्या फोटोज एंड क्या वीडियोस आएंगे आपकी, मतलब बहुत प्यारा व्यू। आसपास देखिए, मतलब मुंबई दिखता है, पूरी बिल्डिंग सब कुछ दिखता है यहाँ पे यार, मतलब सीरियसली मेरा ना मन नहीं कर रहा था यहाँ से घर जाने का ये व्यू देखने के बाद। इतना ठंडक, इतना सुहाना मौसम, आई लव दिस व्यू एंड आई लव दिस प्लेस सीरियसली। ये है हमारी दरगाह की एंट्रेंस, यहाँ से हम जाने वाले अंदर। क्या ही प्यारा मतलब ये गेट है यार, पर एक बात है यार बहुत ज्यादा रश था, मतलब मेरे को यहाँ से वहाँ गेट तक जाने में। सो फाइनली पहुंच गए हैं हाजी अली दरगाह। चले अंदर, चलो। सो फाइनली हम दरगाह के अंदर आ चुके हैं, या माथा टेकते हैं। जैसे आपने देखा होगा रॉकस्टार मूवी के अंदर, रणबीर कपूर हमारा जनार्दन जॉर्डन जैसे गाने गाते हैं बैठ के, वैसे मतलब यहाँ भी यार ये लोग बैठे हैं, इतना सुरीला गा रहे थे ना, आपको सुनाता हूँ मैं म्यूजिक। सो आई रिकमेंड आप जब भी आओ ना यहाँ पे अपने 15-20 मिनट आधा घंटा जितना आप इन्वेस्ट कर सको यहाँ जरूर रुक के जाना यार, मतलब इनकी परफॉर्मेंस, इनकी लाइव सिंगिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब सूथिंग है यार सीरियसली।
मेरा मतलब मन खुश हो गया कि ये सिंगिंग इनकी आवाज़ सुन के। ये हम आ गए दरगाह की बैक साइड पे, यहाँ पे लोग फोटोज़ करवा रहे हैं, कुछ लोग मे बी नहा भी रहे हैं, हम भी बस व्यू इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ से आपको दिखती है अदर साइड ऑफ मुंबई और बाकी बिल्डिंग्स। सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है एंड व्यू आई डोंट नो कैमरा उतना जस्टिस कर पा रहा है कि ये कितना सुंदर व्यू था उस वक्त जब मैंने इसको लाइव देखा यार, पर मैंने पूरा ट्राई किया आपको दिखा सकूँ। सो आई थिंक मैंने आपको ये पूरी दरगाह अपने व्लॉग के माध्यम से, अपने व्लॉग के थ्रू घुमा दी एंड आई होप आपको ये जगह अच्छी लगी होगी। एंड जब आप आएंगे तो आपको पता है कि आपने यहाँ पे क्या क्या देखना है एंड क्या क्या करना है। बाकी यार अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक और एक कमेंट एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल वॉन्ट कॉस्ट यू एनीथिंग गाइज, आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बाकी इट्स अप टू यू गाइज। अब हम बाहर निकल रहे हैं हजी अली दरगाह से, बाकी जनाब मकसद ना भूलना जी, जनाब मकसद ना भूलना, मकसद नहीं भूलेंगे हम अपना।